हेलो फ्रेंड, फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैंने संतरे का जैम बनाई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा और काफी टेस्टी ये जैम बन करके रेडी हुआ है। तो इसकी पूरी वीडियो आप फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे देख सकते हैं। जो लोग नए आए हैं, प्लीज प्लीज फ्रेंड, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हमारी ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे प्लीज बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सा अच्छा कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे। आज मैं बनाने वाली हूँ संतरे का जैम जो कि बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छी बनती है। तो इस तरह का हमने संतरे लिए हुए हैं। आप इसमें थोड़ा ग्रीन भी रहता है वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम पील कर लेंगे। ये बिल्कुल मार्केट के तरह से ये जैम बन करके रेडी होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो दिल से एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अच्छी सी एक कमेंट कर दीजिए मेरी रेसिपी पे। तो इस तरह से हमें छील लेना है और छीलने के बाद इसमें से इस बीज को निकाल देना है। इसमें जो बीज है ना उसे निकाल देना है हमें, क्योंकि बीज जो है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाता है। और इस तरह से छीलते हुए इन रेशों को हमें हटाना नहीं है, जैम बनाते समय इनको नहीं निकालना है, बस बीज को निकाल देना है। जो बीज अगर होंगे तो उसे निकाल दीजिए, नहीं तो बीज रहेंगे तो कड़वा हो जाएगा। तो इस तरह हम सारे बहुत ही आराम से मुझे कट करके निकाल लेना होगा। इस तरह से आप कट कर दीजिए और सारे पल्प को निकाल लेना है। जब इस तरह से सारे को निकाल लूंगी, खाली बीज को हमें हटाना है और जो रेशे हैं उन्हें हटा देना है। तो ये करने के बाद फिर आपसे हम मिलते हैं। सारे को इस तरह से निकाल लूंगी, सारे पल्प को। पल्प को निकालने के बाद जितने हमने संतरे यहाँ पे लिए हैं सारे पल्प को निकाल के फिर आपसे मिलते हैं। सारे संतरे को हमने इस तरह से छील लिया है और एक छोटा टुकड़ा हमने संतरे का छिलका लिया हुआ है। इस छिलके को मैंने क्या किया है, छोटा सा टुकड़ा लिया और इसे इधर अंदर का जो व्हाइट पार्ट है, ये जो व्हाइट वाला है, इसको हल्का हल्का चाकू से इस तरह से कुरच कुरच के हमने पूरा को क्लियर करके साफ कर ली हूँ। तो मुझे ज्यादा और नहीं चाहिए, जितना चाहिए था बस उतना सा मैंने इतना सा निकाल ली हूँ। आगे बताती हूँ इसका क्या मैं करूंगी। तो ये तो हो गया, इसे साइड में रख देते हैं छिलकों को। और ये जो पल्प जो हमने लिया है, पल्प को एक मिक्सर जार के लूंगी और इसमें ये सारे पल्प को डाल दूंगी। ओनली पल्प हमने लिया हुआ है, इसमें जो धागे जैसे रेशे निकलते उसे हटा दी हूँ और छिलकों को हटा दिया हमने, बीज को हटा दिया हमने। और इन सबको एकदम ही बारीक सा पेस्ट बना लेना है, एकदम ही बिना पानी का। पानी तो ऑलरेडी इसमें जूसी है ही, तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे पीस करके रेडी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये काफी अच्छा सा पीस करके रेडी हो गया है, एकदम ही बढ़िया सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया। देख सकते हैं एकदम ही इस तरह का पीस गया। और इससे अब पीसने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इधर हमने कढ़ाई गरम होने रखा हुआ है, कढ़ाई मेरा अच्छा सा गरम हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा गरम होने के बाद इसमें अभी जूस को डाल दूंगी। यहाँ पे हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हुए हैं जिससे कि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ऑलरेडी संतरे का फ्लेवर तो बहुत बढ़िया लगता है, एकदम फ्रेशनेस जैसा फील होती है इसकी खुशबू से। तो दालचीनी भी डाल देने से बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है और बढ़िया सा खुशबू भी आती है। तो दालचीनी डाल दूंगी। यहाँ पे चीनी ली हूँ, चीनी यहाँ हमने तीन संतरे में
3 बड़े चम्मच चीनी का यूज किया हुआ है। आप चाहे तो थोड़ा ज्यादा भी चीनी आप ले सकते हैं अगर मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो। तो इसे हमें अब कंटिन्यू चलाते रहना है और कुछ ऐड नहीं करना, बस इतना अभी प्रोसेस अभी कंटिन्यू जारी रखना है। तो इसे चलाते हुए अच्छा सा ठीक कर लेते हैं। आपको इसे स्टेज पे बताना चाहूंगी फ्रेंड, हमने यहाँ पे फूड कलर लिया हुआ है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डालिए नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर हमने लिया है, थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाता है। तो 1 पिंच फूड कलर डाल दूंगी और इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छा सा पका लेती हूँ। कम से कम इसे पकाने में 5 मिनट तो जरूर लग जाएंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो इसी तरह से पकाते हुए रेडी कर लेते हैं। तो इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो इतना थिक हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो हमने संतरे के छिलके लिए थे इसे मैंने इस तरह से एकदम ही बारीक टुकड़ों में काट ली हूँ, इसे डाल दूंगी और इसे भी पकने दूंगी। अभी 3 से 4 मिनट और ये पकेगा। थोड़ा इतना थिक करना है कि ये जैम के फॉर्म में थोड़ा सा हो जाए। तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए इस तरह से हमें पका लेना है। पकाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो इसे पकाते हुए 5 मिनट्स हो गए, देख सकते हैं कि इस तरह से थिक हो गया है। अब मैं इसे चेक करना बताऊंगी। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और थोड़ी सी इस जैम को प्लेट पे लीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद इस तरह से जब हम टर्न करेंगे तो देखिए नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, इसका मतलब एकदम सही है। इससे ज्यादा हमें नहीं सुखाना है, अगर ज्यादा सुखा देंगे तो जैम बहुत ही हार्ड सा हो जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद। बंद करने के बाद इसे अब हम नीचे उतार लेते हैं चूल्हे से। तो देख सकते हैं इसे मैंने गैस चूल्हे से नीचे उतार कर इसे ठंडा कर ली हूँ। तो एकदम सही सा थिकनेस आ गया है, जैम के तौर पे एकदम से रेडी हो गया है। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगी, मैंने इतना कम इसलिए बनाई कि इससे पहले मैंने बनाकर खुद से ट्राई की, जैम मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये वीडियो बनाने के लिए मैंने आप लोगों के साथ इतना कम क्वांटिटी में बनाकर शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी ये जैम बन करके रेडी हो गई। इसे बनाकर आप पूरे साल इस तरह से आप स्टोर करके रखिए, बिल्कुल खराब नहीं होगा और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। बिल्कुल मार्केट से भी बोल सकते हैं, घर का बना हुआ बात ही कुछ और होती है फ्रेंड। तो इस तरह से आप भी बनाइए और हमें अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए कि आपको घर का बना हुआ ये संतरे का जैम कैसा लगा। मुझे तो भाई बहुत पसंद आया, इसके लिए मैंने इसकी रिपीटेड वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बनाना भी देख सकते हैं कितना आराम से आसानी से बन जा रहा है। अब मैं आपको ब्रेड पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये जो है इस तरह से आप अप्लाई कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा ये जैम बन करके रेडी हो गया ना, काफी अच्छा और देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में तो वाकई में फ्रेंड कोई जवाब नहीं इसका, इतना अच्छा और टेस्टी जैम बनता है। तो देखिए काफी अच्छा सा जैम बन करके रेडी हो गया। आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड, कमेंट में मुझे बताइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड तो प्लीज दिल से एक लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, हो सके तो एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिए। तो देखिए कितना अच्छा सा ये जैम बन करके रेडी हो गया ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग बताइए कि मेरी ये वीडियो कैसा लगा आपको, वाकई में ये बहुत टेस्टी और काफी अच्छी जैम बन गई है। तो इसकी पूरी वीडियो आप फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे आप देख सकते हैं। जो लोग नए आए हैं प्लीज प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।